हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एट फिंगर टिप्स। आज हम लोग शीले टॉल्सन की एक बहुत ही फेमस पोएम आ फोटोग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ये पोएम तुम लोगों के CBSE क्लास 11 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो बिना कोई वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम आ फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। पोएट हमें यह बता रहा है कि वो जो कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड का मतलब क्या है। अ कार्डबोर्ड इज अ वेरी थिक स्टिफ पेपर, यूजुअली पेल ब्राउन इन कलर। तो कार्डबोर्ड वही चीज होता है जिसमें फोटो चिपकाया जाता है, तो वो फोटो का जो फ्रेम है वही कार्डबोर्ड है। और पोएट हमें कह रहा है कि कार्डबोर्ड में वो क्या देख रहे हैं। वो देख रहे हैं उस दिन को जिस दिन उसके मदर और उनके दोनों कजिन पैडलिंग के लिए गया था समुंदर में। अब ये पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग का मतलब है टू वॉक विद बेयर फीट इन शैलो वाटर। तो पैडलिंग का मतलब है समुंदर के किनारे जहाँ पानी कम है वहाँ से चलना। सो इन फर्स्ट दो लाइन में पोएट हमें बता रही है कि वो उस दिन को देख सकती है इस फोटोग्राफ में जिस दिन उनके माँ और उनके माँ की दोनों सिस्टर, दोनों कजिन समुंदर के लिए गए हुए थे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। एक एक कजिन उनके माँ के एक हैंड को पकड़े हुए थे। क्यों पकड़े हुए थे? क्योंकि उनके मदर सबसे बड़े थे, उनके मदर सबसे बुजुर्ग थे। और वो कितने साल के थे? वो 12 साल के थे सिर्फ। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. So all three stood still. All three का मतलब poet के mother और poet के mother के दो cousins. वो शांत से खड़े हुए थे और क्या कर रहे थे? They were smiling through their hairs. Smiling through their hair का मतलब क्या है? जब वो हंस रहे थे उन लोगों के मुंह के ऊपर उन लोगों के बाल आ रहे थे। तो इससे हमें यह पता लगता है कि वो जो दिन था वो विंडी था, बहुत जोर हवाएं चल रही थे। तो इसलिए क्या हो रहा था, जब उन लोगों के अंकल फोटो खींचने के लिए उन लोगों को पोज देने को बोला तब वो लोग स्टिल रहे, वो लोग एक जगह पे पोज देते रहे, पर उन लोगों के बाल उन लोगों के मुंह के ऊपर आ गया। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो यहाँ पर पोएट अपनी मदर की फेस को डिस्क्राइब कर रही है जो कि वो फोटोग्राफ में देख रही है। तो वो ये कह रही है कि उसके मदर की जो फेस है वो बहुत ही स्वीट थी, एंड दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये कब थी? जब वो जन्म नहीं लिए थे। तो ये फोटो तब खींचा गया था जब पोएट जन्मी ही नहीं थी, शी वॉज येट टू बी बॉर्न। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोएट अपने माँ की फेस का जिक्र कर चुके हैं। अब वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? समुंदर को, द सी। तो उसके माँ का जो फेस है वो समय के साथ साथ चेंज हो गया, पर यहाँ पर जो सी की बात कर रही है वो द सी अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। उसके मदर के फेस के जैसा चेंज नहीं हुआ था, सी बहुत ही कम चेंज हुआ था। तो इस लाइन में पोएट हमें यही बताना चाहता है कि जो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है वो चेंज कम होता है, पर ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर चेंज वेरी स्लोली बट ह्यूमन बींग्स चेंज वेरी क्विकली। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और सी वाटर क्या कर रहा था? सी वाटर वो जो फुटप्रिंट्स है जो पोएट की मदर और उनके कजिन्स ने मिलके समुद्र के तट पर बनाया था उसको सी वाटर आके मिटा दिया था। सो व्हाट डू यू मीन बाय टेरिबली ट्रांजिएंट फिट? ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब है जो चीज बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, अ थिंग दैट लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट फिट का जिक्र किया गया है। तो ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांजिएंट फिट पोएट यूज कर रही है तब वो और एक चीज बताना चाहती है। वो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को भी दिखाना चाहती है इस वर्ड के द्वारा। द पोएट वॉन्ट्स टू शो
द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू दिस लाइन। ह्यूमन लाइफ कितना कम टाइम के लिए होता है, कितना टेम्पोररी होता है, यही दिखाना चाहता है। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट फीट कैन बी कंपेयर टू द ह्यूमन लाइफ। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब पोएट यही सोच रही है कि उसके मदर क्या करती 20-30 साल की बात। जब उसकी मदर 20-30 साल की बात इस फोटोग्राफ को देखती तो वो हंसती इस फोटोग्राफ को देख के। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या है? एन इनफॉर्मल फोटोग्राफ टेकन क्विकली, एक फोटो जो झट से लिया गया है। तो उसके मदर जब भी ये फोटोग्राफ देखते 20-30 साल बाद तब वो हंसती। क्यों हंसती? क्योंकि उसे अपने अतीत के जो गुड मेमोरीज है वो याद आ जाती, उनके चाइल्डहुड के मेमोरीज याद आ जाती। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो बेटी और डॉली को बोलता, देखो हमें कैसे ड्रेस किया गया था बीच पे जाने के लिए उस दिन। So she would have remembered the fond memories of her past, of her childhood. The sea holiday was her past, mine is her laughter. इस लाइन को बहुत ही गौर से समझना, क्योंकि ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पोएट कह रही है कि the sea holiday was her past. ये जो sea holiday है ये पोएट की मदर की पास्ट है, क्योंकि ये पोएट की मदर की चाइल्डहुड को दिखा रहा है जिस दिन उनके मदर कजिन्स के साथ पैडलिंग के लिए गए हुए थे। तो ये दिन वापस नहीं आएगा, इसीलिए पोएट हमें कह रही है कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज अ लाफ्टर। इसका मतलब है उसके मदर का जो लाफ्टर है, उसके मदर का जो हंसी है, वो पोएट का अतीत है। क्यों? क्योंकि उसके मदर अभी जिंदा नहीं है। अगर कोई जिंदा नहीं रहेगा तो वो हंसेगा भी नहीं। तो इसीलिए पोएट हमें बोल रहा है कि उस पिक्चर में उसकी मदर की जो चाइल्डहुड है वो उसके मदर के लिए पास्ट है, और उसकी मदर की हंसी उसके लिए अभी पास्ट है क्योंकि उसके मदर मर चुके हैं। बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। बोथ राय, राय का मतलब क्या है? राय का मतलब है जो चीज बदल चुका है, ट्विस्टेड और अंडरवेंट अ चेंज। तो बोथ, बोथ का मतलब यहाँ पर बोथ डिनोट कर रहा है उसके मदर की चाइल्डहुड को और उसके मदर के स्माइल को, ये दोनों चीज चेंज हो गया है। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। लेबर्ड का मतलब है कोई एक काम जो बहुत ही डिफिकल्टी से किया जाता है, बहुत ही कठिनाई से किया जाता है। और ईज का मतलब क्या है? इसका मतलब है ईजी। तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स जिसका मीनिंग ऑपोजिट है साइड बाय साइड यूज किया गया है। तो ये एक ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब दोनों वर्ड्स जिसका मीनिंग ऑपोजिट हो वो साइड बाय साइड किसी लाइन में बैठता है। तो यहाँ पर पोएट हमें बोल रही है कि वो दोनों जो चीज है, उसके मदर का स्माइल और उसके मदर का चाइल्डहुड, वो दोनों चीज क्या हुआ? चेंज हो गई। विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। ईज ऑफ लॉस का मतलब क्या है? बहुत ही इजीली वो चेंज हो गई। और लेबर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो बताना चाह रहा है ये दोनों जो चीज चेंज हो गई इसको एक्सेप्ट करने में पोएट को बहुत कठिनाई हुई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पोएट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी विल नेवर सी हर मदर स्माइल। तो पोएट हमें ये बता रहा है कि ये दोनों जो चेंज बहुत इजीली हो गया, ये उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही टफ था। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. Poet ने हमें पहले ही कहा था कि उसके मदर का जो एज है जब वो फोटोग्राफ खींची गई थी वो है 12 साल। अब पोएट हमें ये कह रहा है कि उसके मदर मर चुके हैं उतने ही साल पहले जितने साल वो लड़की की उम्र है उस फोटोग्राफ में। तो पोएट इस लाइन में यही कहना चाहते हैं कि उसके मदर गुजरे हुए 12 साल हो गए। And of these circumstances, circumstances का मतलब है fact or condition. तो यहाँ पर poet बोल रहा है और इस बारे में there is nothing to say at all. और इस बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। तो उसके mothers के death के बारे में कहने को कुछ भी नहीं है क्योंकि वो कह ही नहीं सकते। वो इतने दुखी है कि वो शब्द नहीं निकाल सकते।
she cannot describe in words the loss she had to deal with. It's silence silences. तो ये लाइन जो कि लास्ट लाइन ऑफ द पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर पोएट हमें कह रहा है कि ईट्स साइलेंस. ईट्स का मतलब क्या है? वो जो फोटोग्राफ में जो लड़की थी जो कि पोएट की मदर थी, उसका जो साइलेंस है वो पोएट को साइलेंट कर दे रहा है. जब पोएट उस फोटोग्राफ को देख रही है तभी उसको याद आ रही है उसकी माँ की, और तभी उसको ये भी याद आ रहा है कि उसके मदर और कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मर चुकी है. और जब भी पोएट को ये रियलाइज हो रहा है, जैसे फोटोग्राफ में उसके मदर दिख रहे हैं पर कुछ भी नहीं बोल रही है, वैसे ही उसके मदर और कभी नहीं बोलेंगे, तब पोएट दुख से साइलेंट हो जा रही है. सो इसीलिए पोएट हमें कह रहा है इट्स साइलेंस साइलेंसेस. द साइलेंस ऑफ द गर्ल इन द फोटोग्राफ दैट इज अ मदर साइलेंसेस हर. तो ये तो रही पोएम की लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन. पर अगर हम गौर से देखें तो एक चीज बहुत ही चौंका देने वाली बात है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि द फोटोग्राफ आउटलिव्स हर मदर. एक फोटोग्राफ क्या होता है? जब भी हम एक फोटोग्राफ को देखते हैं तो हम पास्ट को देख रहे हैं, हमारे अतीत को देख रहे हैं, हमें अतीत के उस दिन का जो मेमोरीज है वो याद आ जाती, तो हमें खुशी मिलती उस फोटोग्राफ को देख के. अक्सर यही देखा गया है कि फोटोग्राफ में जो भी चीज है वो चेंज होता है, पर फोटोग्राफ क्या होता है? फोटोग्राफ वही के वही वैसा ही रह जाता है. द पोएट डिस्क्राइब्स अस अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ. एक फोटोग्राफ की आयु एक मानव की आयु से ज्यादा है, और यही एक आश्चर्य की बात. और अगर हम गौर करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो फोटोग्राफ था वो उसके मदर को सुकून देता था, क्योंकि उसके मदर बीते हुए उन दिनों को याद करते थे उस फोटोग्राफ को देख के, जब उसके बचपन में वो अपनी साथियों के साथ एक हॉलीडे पे गया हुआ था. तो यही यादें उसके मदर को सुकून देती. पर जब पोएट उस फोटोग्राफ को देखती तो उसे दुख होती. क्यों? क्योंकि उसको अपनी मदर की याद आती जो कि अभी जिंदा नहीं है. तो होपफुली आप लोगों को ये पोएम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा. अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करके, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आने वाले वीडियो जो कि आपके सिलेबस के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.